नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप इसको ज़रूर आप देखिएगा। ये अगर वीडियो मिस कर दिए तो समझिए आप बहुत कुछ जीवन में मिस कर दिए। जी हाँ दोस्तों, आप अगर बिजली बिल के लाइन में लगे रहते हैं, घंटों देते हैं, समय देते हैं, उसके बाद भी आपका 10 या 15 दिन के बाद बिजली बिल जमा होता है, तो ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। हम अपने मोबाइल से कैसे पे करें बिजली बिल। जी हाँ दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि मोबाइल से बिजली बिल कैसे पे करें, वो भी पे फोन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ हम आपको बताएंगे वीडियो में, और आप इस चीज़ को जानने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले हम आपको प्रूफ दिखा देंगे कुछ क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ आपको हम बता देंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले अपने बिल आईडी पे। तो सबसे पहले हम नॉर्थ बिहार से हैं, तो यहाँ पे अपना वेबसाइट खोल देंगे, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट कंपनी लिमिटेड। तो इसको हम खोल लेंगे और यहाँ पे हम अपना कंज्यूमर आईडी डाल दिए हैं। कंज्यूमर आईडी डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर दें, विजय दुबे के नाम से है यहाँ पे, और हमारा टोटल राशि है इतना 4168 रुपया। जी हाँ दोस्तों, इसको हम पे करेंगे अपने पे फोन द्वारा, वो आपको दिखाएंगे, और डायरेक्ट हम अपने मोबाइल से करेंगे, जिससे आपको मतलब कि आसानी हो, घंटों लाइन नहीं लगना पड़े, और लाइन लगने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं डिस्टेंस। तो चलिए, ये सारी प्रॉब्लमों से आपको आज मैं छुटकारा देने वाला हूँ। तो चलिए, कैसे पे करते हैं ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेक्नोलॉजी अपडेट को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, और यहाँ पे जो बेल आइकन है इसको दाब दें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम अपना पे फोन खोलेंगे दोस्तों। पे फोन खोलने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएंगे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, और उसमें से आपको कुछ खास ऑप्शन का ही ध्यान रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे ही हमारे ये पे फोन खुल गया है और यहाँ पे आइएगा आप, तो इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल दिया गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल हम दे देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ऐसा खुल जाएगा, और इसमें से आप जहाँ का भी आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि कहाँ का है। मेरा थोड़ा नेट स्लो हो रहा है इसके लिए, तो कोई बात नहीं, इसको हम फिर से स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों। मेरा नेट स्लो हो गया है दोस्तों। जी हाँ, तो इसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे, जैसे आपने पीछे देखा था कि 4168 रुपया था, तो फिर हम देखेंगे अगर 4168 रुपया आएगा तब ही हम पे करेंगे, नहीं तो हो सकता है किसी और का अकाउंट खुले। जैसे ये खुल गया है, और यहाँ पे हम मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक, इलेक्ट्रिसिटी पे हमको क्लिक करना है। इलेक्ट्रिसिटी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, इसमें से आप अपना चूज कर लीजिएगा कौन सा है, लेकिन मेरा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा नेट स्लो है दोस्तों, इसके लिए खेद है हमको, लेकिन ये खुलेगा और आपको हम बताएंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो ये दोस्तों, हम आप लाइन पे बने रहें और हमारी वीडियो को अंत तक देखें, ताकि कोई भी ट्रिक आपसे मिस्टेक ना हो। देखिए देखिए, यहाँ पे सीए नंबर मिल रहा है, तो सीए नंबर मतलब कंज्यूमर नंबर होता है, इसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हमारा कंज्यूमर नंबर है, वो टाइप कर रहे हैं दोस्तों हम।
जी हमने ये टाइप कर लिया है, इसको कंफर्म करेंगे। अगर हमारा सेम आ रहा है तब ठीक है। देखिए वहाँ पे 4168 आ रहा है, विजय दुबे ये है, बिजली बिल हमारा आ रहा ही है 4116 रुपया। शायद हो सकता है किसी चीज़ का सब्सिडी मिला हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भीम UPI, जिससे आपको पे करना है उससे आप पे कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, विजय दुबे यहाँ पे आ गया है। आप सिंपली हम यहाँ पे बिल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे बिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा कुछ पासवर्ड आएगा जो कि हम नहीं दिखाना चाहते हैं आपको, और उसको हम टाइप करके आपको बताते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल दिए हैं दोस्तों, और इसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो देखिए बिल पेमेंट अंडर प्रोसेस, देखिए सक्सेसफुल हो गया है, हमारा बिल पे हो गया है दोस्तों। और बिल पे होने के बाद इसको हम देख लेंगे, हम अपने हिस्ट्री में देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या है दोस्तों। और हिस्ट्री में देखिए इलेक्ट्रिसिटी का इतना हमने बिल पे कर दिया है दोस्तों, सक्सेसफुल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे शेयर करना है फेसबुक या व्हाट्सएप पे, वो शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे इसको, और शेयर करने के बाद हम उसका नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है ये हम बताएंगे। जी हाँ, यहाँ पे हम इसको शेयर कर देंगे। जी हाँ, शेयर हो गया ये। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप देखिए कि आपका बिल पे हुआ है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं हम गूगल पे और अपना बिल चेक करते हैं कि हमारा बिल पे हुआ है या नहीं। तो हाँ दोस्तों, हम सीधे चलेंगे अपने गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद गूगल का खोल लेंगे, और गूगल पे जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे NBPCL। ये शॉर्टकट है, जैसे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे सबसे पहले वाला आया है, इसको हम क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों अब देखेंगे कि ये फिर से वहीं खुल गया, और यहाँ पे हमने अपना कंज्यूमर आईडी डालेंगे। जी हाँ, और इसके बाद हम कर देंगे। यहाँ पे अभी कम नहीं हुआ है, अपडेट कर देगा कुछ दिन के 24 घंटों के बाद, और ये हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये 24 घंटों के बाद ये हो जाता है, मैंने अपडेट कर देता है। तो दोस्तों हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।